घृणा नहीं प्रेम कीजिए। हम जिस किसी वस्तु अथवा गुण से घृणा करते हैं उसकी मूल बुराइयां हमारे खुद के ही भीतर रहती हैं। हमारी घृणा की मनोवृत्ति इन बुराइयों का एक आरोपण मात्र होती है। इस प्रकार अपनी बुराइयों का दूसरे पर आरोपण करके हम स्वयं अपने आप में इनकी उपस्थिति की आत्मस्वीकृति से बचना चाहते हैं। हमारा अचेतन मन बड़ा स्वाभिमानी है, वो किसी भी कमजोरी को जल्दी स्वीकार नहीं करना चाहता। इसी आत्मस्वीकृति की प्रवंचना से मुक्ति पाने के लिए वो अपनी बुराइयों का घृणा की भावना के रूप में दूसरों में आरोपण कर देता है। अत्यधिक आलोचना की प्रवृत्ति स्वयं की हीनता की द्योतक होती है। घृणा की मनोवृत्ति किसी विशेष विचार को हमारे मस्तिष्क में बिठा देती है। संवेगों के उत्तेजित होने पर कभी कभी यही बाह्य विचार का रूप धारण कर लेते हैं और जितना ही अधिक हम उनको भूलना चाहते हैं उतने ही वे हमारे मन को जकड़ते जाते हैं और अंत में मानसिक रोग का रूप धारण कर लेते हैं। हमारा मन अचेतन अवस्था में जिस किसी विचार को मस्तिष्क में स्थान दे देता है वही विचार कुछ समय के पश्चात हमारी विशेष प्रकार के मनोवृत्तियों में परिणत हो कार्य रूप में प्रदर्शित होने लगता है। साधारणतः हम अपनी बुराइयों को स्वीकार नहीं करना चाहते, किंतु आध्यात्मिक नियम के अनुसार हमें एक ना एक दिन अपनी बुराइयों को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अखंड ज्योति, मार्च 1955, पृष्ठ 11 से 12। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।